इधर आवाज भी जाएगी बात करने वालों की, ठीक है, बात नहीं होना बिल्कुल भी। बेटा जरा बड़ी सूचना लिख है, इसमें लिखना भी चाहिए, ज्यादा चाहिए तो ठीक है, बड़े अक्षर लिखना, उसमें दिखे भी सामने वाले बच्चों को देख रहा है, ठीक है। हाँ लिखनी है, हाँ देखो देखी सी गिन रही है, कभी बोल रहे हैं लेकिन फिर कभी ये देखी सी गिन रही है। बबलदास पब्लिक स्कूल, ये सूचना ये नकल नहीं मारनी, आपको अपने भी खुद की लिखनी है ना, बोर्ड पे रिक्वेस्ट को देख देख के लिखोगे, अपना अपना खुद का लिखना, सूचना का मिलेगी आपकी। एग्जाम में ऐसे नाम नहीं लिखना है, तो
हो गया ठीक आ जाओ। अच्छा देखिए जरा ध्यान दे, पहले अपना लिखते लिखते बंद करने के बाद ध्यान दे। सबसे पहले बीच में बड़े अक्षरों में आना चाहिए स्कूल का नाम, ठीक है, गोकुलदास पब्लिक स्कूल, सबसे पहले बड़े अक्षर में। उसके बाद किसकी तरफ सूचना आई है वो, किसने सूचना दे रहा है, कौन, कला परिषद, लिखा अपन लिखा था ना पत्र में कला परिषद संस्था की ओर से, स्कूल का नाम पूरा, उसके बाद में कला परिषद, फिर तीसरे नंबर पे सूचना, ठीक। ये सब सबसे स्कूल का नाम ज्यादा बड़ा, फिर कला परिषद उससे छोटा और सूचना उससे छोटी, ताकि पता चले कि कौन ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीन चीज लिख दी, उसके बाद शुरू किया दिनांक, क्या दिनांक लिखे आप लोगों ने, क्या लिखी है, दो नवंबर, बाल दिवस कब आता है, मालूम है कब आता है बाल दिवस, एक महीने पहले, साल भर पहले सूचना निकाल देगा भाई, तो दिमाग लगाने की चीज है कि जब हम सूचना लिख रहे हैं उसके 15-10-15 दिन पहले सूचना निकाली जाती है जो कार्यक्रम जब होने वाला है, तो बाल दिवस कब आता है, 14 नवंबर, तो 7 नवंबर, 5 नवंबर, 2 नवंबर, सब कुछ आपको निकालना चाहिए कि 2 नवंबर 2000 ये, ठीक है, इतना तक। बाकी फिर गणित प्रतियोगिता लिखा है, ठीक है, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि बाल दिवस पर स्कूल में गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जो विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है वह अपना नाम अपने कक्षा अध्यापक को कोई डेट देना चाहिए कि इस तारीख तक लिखवा दी, है ना, किसी भी तारीख, 14 नवंबर को प्रतियोगिता हो रही है तो 10 नवंबर तक, 11 नवंबर तक, 12 नवंबर तक अपने कक्षा अध्यापक के पास लिखवा दें, फिर नाम जो भी है वो और संस्था कला परिषद अध्यक्ष, कला परिषद और फिर नीचे पोस्ट नीचे आती थी, है ना, कला परिषद और नीचे अध्यक्ष, नाम जिसकी तरफ से सूचना जा रही है वो और फिर उसकी पोस्ट अध्यक्ष, ऐसा किसी ने लिखा है, सब ब्रैकेट में लिख दिया, पोस्ट ब्रैकेट में लिख सकते हैं, किधर से ये पोस्ट, हाँ सेकंड का विषय लिखें, अपनी अपनी कॉलोनी, अपनी कॉलोनी के पास स्थित झुग्गी झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी जहां गरीब लोग रहते हैं, झुग्गी कैसे लिखा, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों की सहायता के लिए
कक्षाएं लगाने का निर्णय लिया गया है। कक्षाएं लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सूचना लिखिए। हो गया। लिखना शुरू करें जल्दी जल्दी। तानिया इधर बोर्ड पे आके लिखेगी। कॉपी में क्या करेंगे? अच्छा क्वेश्चन के लिए। हाँ बोलो। हाँ सर हम एक बार कॉलोनी वाले कॉलोनी की तरफ से कॉलोनी का अध्यक्ष लिखना। कॉलोनी का अध्यक्ष कॉलोनी वासी। नहीं वो हाँ फटाफट इसका टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। बोर्ड पे लिखो से पहले तुम लोगों का कंप्लीट हो जाना चाहिए। सचिव मैं नेक्स्ट टाइम जो भी कॉपी चेक करूंगा, जितना भी अपन ने होमवर्क जो भी चल रहा है क्लास में, वो सारा आपकी सीडब्ल्यू कॉपी में मिलना चाहिए। मैं बार बार वो जाके बोलूंगा नहीं कि इसको सीडब्ल्यू में लिखो, सीडब्ल्यू में लिखो, है ना? पेन में भी लिखो, लेकिन मुझे सीडब्ल्यू में सारा मिलना चाहिए। जितना भी मैंने रिविजन कर लिया है, सारा रिविजन।
और
कॉपियां हमें देवे तो जिससे हम उनकी मदद कर सके। रोहित जी ना वो क्या अध्यक्ष विद्या कर ठीक है। जिस प्रकार से सूचना लिखते समय जिन चीजों का आपको ध्यान रखा जाना चाहिए, ऊपर की हेडिंग सबसे बड़ी, जिस जगह की सूचना लिख रहे, अगर स्कूल की सूचना है तो स्कूल का नाम बड़ा, कॉलोनी के अगर नाम सूचना है तो कॉलोनी का नाम बड़ा, जो भी है हेडिंग वाली चीज बड़ी हो। सेकंड नंबर पे जिस विषय पर जो भी हम सूचना लिख रहे हैं वो विषय थोड़ा सा उसे इससे छोटा, और फिर लास्ट में तीसरे नंबर पे सूचना, और फिर डेट डाल के सूचना पूरी शुरू करनी है जिसमें सारी चीजें हमको मेंशन करनी है कि इसमें क्या क्या सूचना में होने वाला है या क्या हुआ है, किस प्रकार से होगा और हम क्या सहायता कर सकते हैं, या लोगों से हम ये सूचना किस उद्देश्य से लिख रहे हैं, सूचना हमारा लिखने का उद्देश्य क्या है, सूचना क्यों लिखी गई है, वो उसमें मेंशन होना चाहिए ताकि आसानी से उसको किया जा सके। चलो तीसरी बार लास्ट फिर का दूसरा काम करेंगे, विज्ञापन पढ़ेंगे। कौन सी टीम है? हाँ जो किया जाता है सही तो है, बोला जरा बता। हमारे घर पर झुकी होती है जहाँ बच्चों की गलत पढ़ाई का उनको ध्यान नहीं दिया जाता, इस कारण उनको झुकी होती सब जगह गलत में नहीं होगा है। विद्यालय में 15 अगस्त की शाम को एक नाटक, 15 अगस्त की शाम को एक नाटक का आयोजन की शाम को एक नाटक का आयोजन का आयोजन है, नाटक का आयोजन है ये बात उसने बोल दिया आगे चल आगे बोल तो कोई लिखना आगे चल क्या कर दिया तुमने तो आ जाएगी जल्दी से 10 मिनट के अंदर लिखा जाना चाहिए और वीडियो वायरल हो जाएगा फिर अच्छे से लिखना ये तो कपिल शर्मा को तो बुलाएंगे कपिल शर्मा को बुलाएंगे अच्छे लिखना है जल्दी 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 विद्यालय में 15 अगस्त की शाम को एक नाटक का आयोजन है, सूचना दीजिए उसको बस।
अरे 5 मिनट पहले ही एक तो हम मात्राओं की गलती बहुत करते हैं, हमारे को हमरे हमरे विद्यालय में है ना, हमरे क्या शब्द है, कोई निमाड़ी लिख रहे क्या, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखते नहीं कि गलती कहाँ कर रहे हैं।